मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 10 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, यानी कि इसका हम आंसर जानेंगे कि 10 लीटर अगर हमें इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, क्या है वो तरीका। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके और सरल तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, 10 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं। 10 लीटर को इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, लीटर बराबर क्वेश्चन है कितना मिलीलीटर। मिलीलीटर को दोस्तों एम एल भी बोला जाता है, जिसको एम एल हम बोलते हैं उसको हिंदी में मिलीलीटर, एम से मतलब मिली, एल से लीटर, मिलीलीटर। ठीक, तो हमें 10 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है ये आंसर बताना है। तो दोस्तों, एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम एक लीटर में पता चल गया कि 1000 मिली है, तो 10 लीटर बराबर कितना हो जाएगा। सिंपल सा है प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा। 10 लीटर हिंदी में भी लिख देता हूँ कि डाउट ना रह जाए। 10 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे एक लीटर, एल से लिखते हैं लीटर को। 10 गुणा एक भी कर सकते हैं 10 लीटर को तोड़कर, क्योंकि 10 गुणा जब एक में करेंगे तो 10 ही आएगा, लीटर का लीटर रह जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 गुणे एक लीटर की जगह 1000 मिली लीटर लिख देंगे, क्योंकि हमें इसको मिली लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 ml। ठीक, तो हमारे जो लीटर था ml बदल गया। 10 गुणा जब 1000 में करेंगे क्या हो जाएगा, 10000 हो जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा जब 1000 में किया जाएगा तो 10000 हो जाता है और ml का ml रहेगा। तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया, 10 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ये क्या है इसका आंसर। दोस्तों, हमने किया क्या कि सिर्फ सिंपल सा, हमारा 10 लीटर को बदलना था मिलीलीटर में, तो हमने 1000 से गुणा कर दिया। अगर यहीं पर 5 लीटर को मिलीलीटर में बदलना होता तो 5 गुणे 1000 करते। अगर यहीं पर 2 लीटर या फिर 20 लीटर बोलता तो 20 गुणे 1000 करते, तो हमारा जो लीटर होता वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाता। तो इसी तरीके से हम जब भी हमें लीटर को बदलना हो, जैसे जब हमें लीटर को एम एल में बदलना हो यानी मिलीलीटर में बदलना हो, तो करना क्या है, सिंपल से 1000 से गुणा कर देना है। जब 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा जो लीटर है मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यह है तरीका बदलने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।